नमस्कार। आज बनाएंगे हम मूली, गाजर, मिर्च और आंवले का अचार। ये काफी स्वादिष्ट अचार बनेगा और इसको दूसरे तरीके से बनाएंगे हम। इसके लिए मूली को मैं अच्छी तरह से छील के धो के और ऐसे ही सूखा इसको धूप में सुखा दी हूँ, पानी इसमें नहीं है। मिर्च को भी मैं सेम तरीके से सुखा ली हूँ और गाजर को भी, आंवले को उबाल ली हूँ और उसके कली में निकाल ली हूँ। इसको हम कद्दूकस कर लेंगे। मिर्च को हम दरदरा पीस लेंगे और मैं ले ली हूँ ये लहसुन कूट के ले ली हूँ। ये अदरक है, इसको भी कद्दूकस करके मैं सुखा ली हूँ। अचार में पानी नहीं रहना चाहिए। सब चीज़ों को अच्छी तरह से सुखा के और तैयार कर ली हूँ मैं। इसको भी हम मसल लेंगे और उसको कद्दूकस कर लेते हैं सभी को, फिर देखते हैं। गाजर को मैं कद्दूकस कर ली हूँ, मूली को भी कद्दूकस की हूँ और इसको दरदरा मिक्सर में डाल के पीस ली हूँ। मिर्च को भी दरदरा पीस ली हूँ। कढ़ाई में तेल ले लेते हैं। कढ़ाई में मैं सरसों का तेल ले ली हूँ, इसको गर्म करने के लिए रखते हैं। तेल गर्म हो रहा है। अभी इसमें हम अदरक लहसुन का जो, इसको भी डाल देंगे। थोड़ा सा अदरक का पाउडर है और डाल देंगे हम लहसुन का पेस्ट। स्वाद के अनुसार इसमें नमक डालेंगे। थोड़ा सा हाथों से क्रश करके अजवाइन डाल देंगे। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। तेल गरम हो गया है, इसमें सरसों डालेंगे और इसको अच्छी तरह से तड़का लगा लेते हैं हम। अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लेते हैं। सरसों अच्छी तरह से चटक गया है। इसमें हींग कलर वाली मिर्च है और थोड़ा सा अचार का मसाला। अचार का मसाला इसमें बहुत ज़रूरी नहीं है, फिर भी थोड़ा सा डाल देंगे और इसको डाल देते हैं और उसके ऊपर तड़का लगाते हैं इसका। अपने तड़के को डालेंगे अच्छी तरह से मिलाते हुए। इसको चला लेते हैं। इस तरह से अचार आप बनाइए, देखिए कितना स्वादिष्ट बनता है। और आप इसको सालों रख के खा सकते हैं और काफी पौष्टिक है। आंवला का इस्तेमाल किस तरह से करना है, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसको एक कांच के बर्तन में रख देंगे और 2 दिन तक इसको धूप में रखेंगे। ऐसे भी ये खाने के लिए तैयार है। बहुत टेस्टी अचार बना है। आप इस तरह से बनाइए और कैसा बनता है मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप मेरी रेसिपी को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।